उर्मिला, अरे लो बताओ। अरे राधे राधे उर्मिला, तू यहाँ आकर के बैठ गई है? अरे मेरी दुख भरी दास्तान सुनने के बाद भी तू यहाँ आकर के बैठ गई, देख कैसी बुरी है रही है, है? अरे कमरे से किचन तक आ गए हो तेरा भैया। बस इतनी छोटी सी हूँ, है? लो बताओ, है? बताओ कैसे कैसे दिन आ गए। अरे साहब कैसी भी हो लेकिन मेरी भी शहर में इज्जत है, हाँ समझे कि ना। बाकी बिहारी लाल कृपा से मैंने भी ठान ली, सौगंध ले ली है बाकी बिहारी लाल की, मैं सोमानी विला में रहूंगा ही ना। हाँ अरे किचन तो किचन में, उनके बड़े सारे हाल में भी ना रहूंगा। नहीं भैया, आप सोमानी विला में ही रहेंगे। है क्या कहते ना, सोमानी विला में रहूंगा। अरे राधे राधे, अरे तू मेरी बहन है कि मेरी दुश्मन है, है? मैंने तो कू अपनी इतनी दर्दीली कहानी सुनाई तो अभी तू कह रही है सोमानी विला में रहूंगा। मैं पूछू काय को रहूंगा भाई, क्यों रहूंगा? मेरे का ससुरे आम के पेड़ गड़े वहां पे। नहीं आम के पेड़ तो नहीं गड़े, लेकिन आपकी प्यारी भांजी और मेरी बेटी सोमानी विला में ही है और इस वक्त दुश्मनों से घिरी हुई है, उसे वहां पे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। अब चाहे आपको किचन में रहना पड़े या फिर गैराज में, लेकिन रहेंगे आप सोमानी विला में ही, तब तक कम से कम जब तक प्रांजु खुद ना कह दे कि उसको आपकी जरूरत नहीं है, समझे आप? लो भाई, अरे वहां के बिहारी लाल, चल भाई मनोहर लाल तेरी किस्मत में कुर्बान होना लिखो है, भांजी के लिए कुर्बान है। कैबे को 10-10 कमरे, इतना बड़ा बंगलो है, दो दो भांजी रहे, लेकिन एक कमरों अपने मामा के लिए ना है, बहुत खराब कर रहा है बाकी बिहारी लाल को अपने मनोहर लाल के साथ। मामा जी, हाँ, अपने आप से क्या बातें कर रहे हो? ना ना मैं क्या बात करूंगा, मेरी क्या हैसियत है साहब बात करने। खैर मुझे आपसे बातें करनी है। आपको भी? जाओ बाकी बिहारी लाल, आप भी हुक्म दे दो, आप कहो तो बंगले के अंदर जाऊँ, आप कहो तो बंगले से बाहर ही रह जाऊँ, का हुक्म है सरकार आप? मामा जी हुक्म नहीं, रिक्वेस्ट करने आई हूँ। क्या कर दिया आई बेटी? विनती करने आई हूँ। आपको क्या लगता है आपकी परेशानी से मैं परेशान नहीं हूँ? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं मामा जी, आपके रहने का इंतजाम हो गया है। ज्यादा अच्छी जगह नहीं मामा जी, लेकिन आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। मैंने अपने पोर्शन का एक रूम साफ करा लिया है, आप वही रहेगा। ये रही उसकी चाबी। मुंह खोल के क्यों खड़े हो? मुंह बंद करो, क्या बात है? ना कछु ना बेटी, मैं समझ रहा हूँ ना कि जे सुमन कुमारी के बारे में का सोचू है, कभी तो कांटे से चुभो है और कभी फूल से फेंके है, मेरी समझ में ना आ रही। देख अब मुंह को जो चाबी पकड़ा गई। मेरी मामा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो साहब, आपके लिए मैंने अपने पोर्शन में कमरों साफ करवा दिए, वहां में जाकर करो। अब मेरी समझ में ना आ रही है बिटिया कि वो कि ये बात पे मैं सोचू क्या सोचू। एक बात बताऊं, आप यहाँ खड़े होकर हंसते रहिए, सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सोचने के लिए मैं हूँ। फिलहाल तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इस चाबी के पीछे सुमन की क्या चाल है।